हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसिका रसोरिया। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से क्लास सेवन्थ की इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर वन। तो आज हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे, थ्री क्वेश्चन समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो पहले हम इसकी इंग्लिश समरी देखेंगे, थ्री क्वेश्चन समरी इन इंग्लिश। सोल ऑफ द चैप्टर, पाठ का सारांश। द किंग मिशन। वंस देयर वॉज अ किंग हु थॉट डैट टू बी अ सक्सेसफुल रूलर ही मस्ट नो द आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, द वाइज मैन एंड देयर सॉल्यूशन, the kings and messengers in all direction to find people who could answer these questions. Many wise men came, but their answers were all different. For the first question, some of them felt that the king should follow a timetable, while there were others who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance. Similarly, for the second question, some wise man said that the king should follow his conclusions, while others thought it was the priest whom the king should listen to. Then there were those who felt that it was the doctor the king should obey, while there were many in favor of soldiers. For the third question, some wise man and said science should be of highest priority for the king, while others said religion. The hermit. The king was not satisfied with these answers, as they were so different from each other. He did not give any reward to anyone and thought to seek consultation of a wise hermit who lived in the jungle. The hermit will see only ordinary people, so the king dressed up like a normal man, leaving behind his horse and bodyguards, and went to the hermit hut. The hermit was an old man and was busy digging the ground in front of his house. The king told the hermit that he has come in search of answer for his three questions and repeated them. राजा का लक्ष्य एक राजा था जो यह मानता था कि एक सफल राजा बनने हेतु तीन सवालों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। ये प्रश्न थे, किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है? सेकंड क्वेश्चन था, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? थर्ड था, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? बुद्धिमान व्यक्ति तथा उसके उपाय। राजा ने चारों तरफ अपने संदेशवाहक भेजे और इन प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु लोगों की तलाश करने को कहा। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए, पर सवालों के जो उत्तर उन्होंने दिए थे वे बिल्कुल ही अलग थे। प्रथम प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक तय समय सारणी का पालन करना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि किसी कार्य को करने का समय उचित समय क्या है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को अपनी मंत्रिपरिषद की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि उसे तो पुजारी की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि राजा को अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ और लोग यह मानते थे कि राजा को अपने सिपाही की बात सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम विज्ञान की प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि धर्म उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
तपस्वी राजा प्रश्नों के उत्तर में भिन्नता होने की वजह से संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने उन बुद्धिमान व्यक्तियों में से किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया और तय किया कि वह जंगल में रहने वाले एक तपस्वी से सुझाव लेगा। तपस्वी केवल साधारण इंसानों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने अपने कपड़े साधारण इंसानों की ही भांति पहने, अपने घोड़े व अंगरक्षकों को छोड़ दिया और तपस्वी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। तपस्वी एक वृद्ध आदमी था और वह अपने घर के सामने एक गड्ढा खोद रहा था। राजा ने उस वृद्ध से कहा कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया है और उसने सभी प्रश्न दोहराए। द हर्मिट डिड नॉट रेस्पॉन्ड एंड कंटिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड। सम टाइम पास्ड एंड द किंग सेटिंग द हर्मिट टू बी टायर्ड ऑफर्ड हिज हेल्प। द किंग कंटिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड टिल इवनिंग। इन द इवनिंग द किंग अगेन रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चंस, बट एट दैट मोमेंट समवन केम रनिंग टूवर्ड्स द हर्मिट हट। द किंग साइंड अ रिलीफ। द किंग देन वेंट टू लुक फॉर द हर्मिट हु वॉज शोइंग शीट्स इन द बेड्स डैट दे हैव डग द डे बिफोर। ही रिक्वेस्टेड द हर्मिट फॉर द लास्ट टाइम टू आंसर हिज क्वेश्चंस। टू दिस द हर्मिट रिप्लाइड डैट द किंग किंग हैज ऑलरेडी फाउंड द आंसर्स। इफ ही वुड नॉट हैव पिटेड हर्मिट कंडीशन द डे बिफोर देन द मैन वुड हैव अटैक्ड हिम ऑन हिज वे एंड ही माइट हैव लॉस्ट हिज लाइफ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन ही वॉज डिगिंग द बेड एंड द हर्मिट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। The wounded man, a man came running towards them with a hand on his wounded stomach. The king cleaned the wound and dressed the wound, controlling the flow of blood. The man felt better and asked for some water. Hermit and the king took the man inside the house. The man was lying quiet inside the house and the tired king too fell asleep on the ground. In the morning when the king opened his eyes, he saw the wounded man asking for forgiveness. The man told the king that he had come to take revenge from him because the king had killed his brother and had taken away all his property. He wanted to kill the king while returning from the hermit place. But the king's bodyguard found him and wounded him. He would have died if the king would not have helped him. He regretted his thoughts of killing the king and promised to be his faithful servant. The king was pleased to turn his enemy into a friend. He forgave him and returned all his property. When the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him, as he would have died of his wounds without the two of them reconciling for their acts. So at that moment, the wounded man was the most important man, and nursing him was the most important business. The hermit said to the man that the most important time is now, because it is the only time when we have the power to act. The most important person at a particular moment is we ourselves, because future is unknown to all of us and there is always an uncertainty about meeting anyone else. The most important job is to do good to others, because we have been sent to this world for this नोबल क्यूर कॉज। तपस्वी ने बिना जवाब दिए ही गड्ढा खोदना जारी रखा। कुछ वक्त बीत जाने पर जब तपस्वी थक गया तो राजा ने उसे अपनी मदद का प्रस्ताव दिया। राजा शाम तक गड्ढा खोदता रहा। शाम को राजा ने दोबारा तपस्वी से विनती की और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, पर उसी समय
तपस्वी की झोपड़ी की ओर एक व्यक्ति भागता हुआ आया, एक व्यक्ति भागता हुआ उसकी तरफ आया, जिसने अपना एक हाथ अपने घायल पेट पर रखा हुआ था। राजा ने जख्म को साफ कर दिया तथा खून के बहाव को रोकने के लिए उसके जख्म पर एक पट्टी बांध दी। इंसान ने थोड़ी सी राहत महसूस की तथा पानी मांगा। राजा और तपस्वी ने मिलकर व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर पहुंचाया। व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था और थके होने की वजह से राजा भी वहीं जमीन पर सो गया। सुबह जब राजा की आँख खुली तो उसने घायल व्यक्ति को माफ़ी मांगते हुए पाया। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह उससे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। उसने राजा को तपस्वी के घर से लौटने के दौरान मारने का सोचा था, पर राजा के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। अगर राजा उसकी मदद ना करता तो वह शायद मर जाता। उसने राजा को मारने की अपनी सोच पर अफसोस जताया और आजीवन उसका भरोसेमंद नौकर बनने का फैसला कर लिया। अपने शत्रु के मित्र बन जाने पर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने उसे माफ कर दिया तथा उसकी सारी संपत्ति उसे वापस लौटा दी। राजा ने राहत की सांस ली। इसके बाद जब राजा तपस्वी को देखने बाहर आया तो जो उस समय बीज बो रहा था उन गड्ढों में जो पिछले दिन खोदे गए थे, राजा ने तपस्वी से आखिरी बार निवेदन किया और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे। जवाब में तपस्वी ने कहा कि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल चुके हैं। अगर उसने तपस्वी की दिशा पर तरस ना खाया होता तो कल जब वह रास्ते से लौट रहा होता तो वह व्यक्ति उस पर हमला कर देता और शायद उसकी जान भी चली जाती। अतः सबसे महत्वपूर्ण समय उस गड्ढे की खुदाई करने के दौरान था और तपस्वी उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। जब घायल व्यक्ति वहाँ पर आया तो महत्वपूर्ण समय वह था। जब वह उसकी देखरेख कर रहा था और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह व्यक्ति मर सकता था। अपनी करनी के लिए कभी मेल मिलाप नहीं कर पाते। अतः उस वक्त पर वह घायल आदमी सबसे महत्वपूर्ण हो गया था और उसकी देखरेख करना सबसे महत्वपूर्ण काम था। तपस्वी ने राजा से कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि बस इसी वक्त पर हमें काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी समय पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम सभी हैं, क्योंकि भविष्य तो अविदित है और हम सभी को भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है कि हम कब किससे मिल जाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम है दूसरों का भला करना, क्योंकि हम इस संसार में इसी नेक काम के लिए आए हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।